आपको बता दें, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के पुत्र कार्तिकेय चौहान कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। सोशल मीडिया पर पोस्ट करके ये जानकारी उन्होंने साझा की और कहा है इस पोस्ट के जरिए, आई हैव टेस्टेड पॉजिटिव फॉर कोविड-19, अब कोरोना को हरा कर मिलूंगा दोस्तों, ये ट्वीट किया है। लेकिन इसके साथ ही अपील भी की है कि आप सब भी घर पर रहें, सुरक्षित रहें, मास्क सैनिटाइजर का उपयोग करें और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के सुपुत्र कार्तिकेय चौहान कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं और इसकी जानकारी खुद उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए दी है। तो ये वो ट्वीट जो उन्होंने किया और लिखा है, आई हैव टेस्टेड पॉजिटिव फॉर कोविड-19। और हालांकि अपील भी आम जनता से की है कि सारी गाइडलाइंस का पालन किया जाए, मास्क सैनिटाइजर का उपयोग करें और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। लेकिन एक ये भी उन्होंने लिखा है कि अब इस जंग को जीत कर ही मैं मुलाकात करूंगा, कोरोना को हरा कर आपसे मिलूंगा दोस्तों। तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के बेटे हैं कार्तिकेय चौहान, कोरोना पॉजिटिव पाए गए। और आपको बता दें कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी पहले पिछले साल जब कोरोना की लहर पहली लहर आई थी उस समय वो भी पॉजिटिव पाए गए थे और इस बार उनके बेटे कार्तिकेय सिंह चौहान कोरोना पॉजिटिव हुए हैं। हालांकि एक हौसला उन्होंने दिया है और बताया है, कहा है कि अब कोरोना की जंग जीत कर ही वापस लौटूंगा। वासु हमारे संवाददाता फोन लाइन पर ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ गए हैं। वासु, कार्तिकेय सिंह चौहान भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, खुद ट्वीट के जरिए जानकारी दी, लेकिन एक पॉजिटिव मैसेज भी उन्होंने दिया है कि इस जंग को जीत कर एक बार फिर से आऊंगा और आपसे मुलाकात करूंगा। अब बिल्कुल देखिए जी, कोविड-19 का जो संक्रमण है वो तेजी से फैल रहा है और सभी वर्ग के जो लोग हैं, चाहे राजनेता हों, उद्योग जगत के लोग हों, फिल्मी जगत के लोग हों या फिर आम लोग हों, सभी इसकी चपेट में कहीं ना कहीं आ रहे हैं। कार्तिकेय चौहान जो मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के बेटे हैं, लगातार कोविड-19 के जो ये पूरा संक्रमण का दौर चल रहा था, वो लोगों के बीच में जाते रहे हैं, मुलाकातें करते रहे हैं, कई लोगों को मदद पहुंचाने का काम भी एक सार्वजनिक जीवन में कहीं ना कहीं एक नैतिक जिम्मेदारी होती है, तो वो इन तमाम प्रक्रियाओं में व्यस्त रहे थे, जिसके चलते अब उन्हें वो भी कोविड-19 का जो संक्रमण है उसके शिकार हुए हैं। इस बात की जानकारी उन्होंने खुद अपने ट्विटर हैंडल पर दी है और अपील भी की है कि जो लोग इस दौरान उनके संपर्क में आए हों, अगर कुछ सिम्टम्स उन्हें नजर आ रहे हैं तो वो लोग अपनी जाँच करा लें और तमाम सारी जो कोविड की गाइडलाइंस है उनका बहुत एहतियात के साथ पालन करें। और कहीं ना कहीं एक सकारात्मक संदेश उन्होंने ये भी दिया है कि मैं जंग जरूर जीतूंगा और एक बार फिर आप सबके बीच लौटूंगा। बिल्कुल, शुक्रिया आपका वासु जानकारी के लिए। तो कोरोना की चपेट में कार्तिकेय सिंह चौहान आए हैं और हर एज ग्रुप, कोई भी वर्ग हो, वो इस महामारी की चपेट में आ रहा है। हालांकि अपील लगातार यही की जा रही है सभी की तरफ से कि तमाम गाइडलाइंस का पालन किया जाए, मास्क का उपयोग करें ताकि इस महामारी के दौर से निकला जा सके।